सोलन में पिछले कल 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जिसमें से 2 व्यक्ति बाहरी राज्यों से आए थे और वे सोलन वार्ड नंबर 13 क्लीन के रहने वाले हैं। वहीं एक व्यक्ति शूलनी नगर का रहने वाला है, ये परवाणु में कार्यकर्ता था। इन तीनों के जब टेस्ट किए गए तो ये तीनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जिन व्यक्तियों के संपर्क में ये लोग आए थे, उनकी सूची बनाकर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो उनके भी आवश्यक टेस्ट करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन में 3 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जिसमें से 2 व्यक्ति यूपी से सोलन आए थे। वहां से आते समय ये शायद किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए और खुद भी संक्रमित हो गए। वहीं एक व्यक्ति शूलनी नगर का है, जो परमाणु सेब मंडी में कार्यरत था और 5 दिनों से घर पर ही था। उसे हल्का बुखार और जुकाम था। जब इसका टेस्ट करवाया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला है। उन्होंने कहा कि सेब मंडी में देश के कोने कोने से लोग आते हैं, शायद किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से ये व्यक्ति भी संक्रमित हो गया है। पिछले कल सोलन लोकल में हमारे पास 3 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से दो केसेस हैं जो कि हमारे इंटरस्टेट ट्रेवलर हैं। ये यूपी से आए थे, यहाँ पर अपना काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं और ये होम क्वारंटाइन थे, क्लीन एरिया में ये स्टे कर रहे हैं। इन दोनों को पॉजिटिव आने के बाद हमने नॉनी में शिफ्ट किया। तीसरा एक जो पेशेंट है वो सुलनी एरिया से है, वो परमाणु में एप्पल मंडी में काम करता है और वहीं से पिछले 5 दिन पहले यहाँ पर आया था और फीवर था उसको, उसके तहत उसका टेस्ट किया गया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। उसका कांटेक्ट मोस्ट प्रोबेबली मंडी में ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और कुछ लोग सेब बेचने भी आ रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि उसका कांटेक्ट वहीं से हुआ है। और जो इंटरस्टेट ट्रैवलर्स हैं, उनका शायद अपने जहाँ से वो आए हैं उसी के रास्ते में या वहाँ से ही वो कॉन्टैक्ट लेकर आए हैं।